शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ईडब्ल्यू नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। खारगढ़ सेक्टर 7 स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल के पास एक युवक पर देर रात 3 से 4 अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने पहले तो छीना झपटी की कोशिश की और फिर उसके पास मौजूद पैसे और मोबाइल छीनने की कोशिश की। जब युवक ने उसका विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई और फरार हो गए। घायल व्यक्ति का नाम प्रतीक आहिर बताया गया है, जिसे इलाज के लिए फिलहाल MGM अस्पताल में भर्ती किया गया है। खारगढ़ पुलिस फिलहाल अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और क्राइम ब्रांच भी मामले की तफ्तीश में जुटी है। इसी की अधिक जानकारी उपायुक्त सुरेश मेंगड़े ने दी। कल रात को 9:45 के दरमियान एक प्रतीक आहिर करके पेन का रायगढ़ जिले का रहवासी लड़का है, 24 साल का, जो अपने दोस्त को मिलने के लिए यहाँ आया था रात को। वो अपने दोस्त को मिलने के बाद, ये कोपरी करके छोटा सा कस्बा है, उसके बाजू में पुलिस स्टेशन और कस्बा के बीच में जो रास्ता जाता है वह थोड़ी सी सुनसान जगह है, वहाँ पे वो सिगरेट पी के खड़ा था अपनी बाइक लेके। अचानक 3-4 लोग वहाँ आए, उन्होंने उसका मोबाइल खींचने की कोशिश की, बाइक लेके जाने की कोशिश की, उसने अपोज किया। उनमें से एक ने उनकी तरफ से जो वेपन है आर्म्स, उससे फायर किया, जिसमें से उसको थाई को एक बाजू से गोली लग के दूसरी बाजू से बाहर आई है। जख्मी को हॉस्पिटल में दाखिल किया है। क्राइम ब्रांच नवी मुंबई एंड खारगढ़ पुलिस स्टेशन डिटेक्शन टीम्स इसका तपास कर रही है। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।